सब्जियां भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। तकरीबन हर ही सब्जी 100 रुपए की हद को छू रही है। दिहाड़ीदार ज्यादा परेशान हैं कि गोश्त चिकन तो पहले ही इसकी कुव्वते खरीद से बाहर था, अब तरकारी पकाने के लिए भी इसे 100 बार सोचना पड़ेगा। जानते हैं गयासुद्दीन से, गयास बताइएगा कौन सी सब्जी किस भाव बिक रही है कराची में। खाने पीने की दीगर अशिया की तरह सब्जियां भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। तकरीबन हर सब्जी 100 रुपए की हद छू रही है। दिहाड़ीदार ज्यादा परेशान है। पहले तो चिकन खाने के लिए उन्हें 100 बार सोचना पड़ता था, लेकिन अब सब्जियां इतनी महंगी हो चुकी हैं कि ये भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। खाने पीने की दीगर अशिया की तरह अब सब्जियां भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हैं। जी, खाने पीने की दीगर अशिया की तरह अब सब्जियां भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हैं। चिकन तो पहले ही कुव्वत खरीद से बाहर था, अब तरकारी पकाने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है, खासतौर पर दिहाड़ीदार लोगों को। गयासुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी गयासुद्दीन, बताइएगा कराची में किस भाव बिक रही हैं सब्जियां। देखिए, सब्जियों के अगर भाव की बात की जाए तो मेरे हाथ में कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट है, जो मेरा कैमरामैन आपको हसनैन दिखाएगा, ये फ्रेम में ये मेरे पास मौजूद है। लेकिन इस लिस्ट पर किसी भी तौर पर अमल दरामद नहीं होता। लिस्टें सिर्फ बराए नाम जारी की जाती हैं, भेजी जाती हैं मार्केटों में, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता, अगर आज सिर्फ बुनियादी चीज़ों की बात की जाए, प्याज की बात की जाए, तो 26 रुपये किलो इसकी कीमत है, लेकिन ये लिस्ट की कीमत है। अगर मार्केट में अगर ख़रीदारी करने जाएँ तो यकीनन आपको इस कीमत पे कोई चीज़ नहीं मिलेगी। टमाटर की अगर बात की जाए तो 77 रुपये कीमत है टमाटर की, और मार्केट में अगर बात की जाए तो 110-120 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद है। ये बताएँ भाई, मार्केट में आप कोई चीज़ ख़रीदने आते हैं सब्ज़ी, वो लिस्ट के मुताबिक मिलती है आपको? नहीं, कभी नहीं मिलती। लिस्ट से हमेशा 25-30 रुपये होती है, ऊपर ही मिलती है। कोई चीज़ कभी शिकायत की आपने? कोई टीमें आती है कमिश्नर की यहाँ पे? नहीं, टीमें तो कभी कभार आती है, रोज़ तो नहीं आती। ठीक है, ये आपने ख़रीदार की बात सुनी। ये मेरे साथ ठेले वाला है, ये एक रोज़ाना की बुनियाद पर बेचता है चीज़ों को। मैंने इनसे टमाटर के रेट पूछे, इनके पास लिस्ट नहीं थी, इन्होंने मुझे रेट गलत बताया, क्योंकि रिस्क के हिसाब से ये चलते नहीं है, अपने मर्ज़ी के मुताबिक बेचते हैं चीज़ें। इसके अलावा जो सब्ज़ियाँ यहाँ आपको नज़र आ रही हैं उसके रेट भी यही सूरत हाल है, रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं फरोख्त होते। और आगे चलते हैं और आगे लोगों से पूछते हैं। ये बताएं भाई, ख़रीदारी करते हैं तो रेट लिस्ट को जो छापते हैं कमिश्नर की टीमें, उनके लोग आते हैं इसको चेक करने के लिए, मालूमात लेने के लिए कि भाई आया आप लोग सही बेच रहे नहीं बेच रहे? कभी कभार चेक कमिश्नर वाले आते हैं, कभी कभार कभी